हाय एवरीवन, नमस्ते। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एकदम झटपट बनने वाला इंस्टेंट मालपुआ, जिसमें ना ही कोई चाशनी बनाने की झंझट है और ना ही हम इसमें कोई मैदा यूज करने वाले हैं। तो हमारे घर के आटे से बनने वाले इस टेस्टी मालपुए की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ एक बोल में हम ले रहे हैं आटा, मिल्क पाउडर, चीनी, सूजी, इलायची पाउडर, इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। दूध से हम इसका बैटर बनाएंगे। तो यहाँ मैंने डाला है 1 कप दूध। इसके बाद हम आधा आधा कप करके दूध इसमें ऐड करते जाएंगे, ताकि हमें बैटर की जो है वो राइट कंसिस्टेंसी मिल जाए। एक ही बार हम सारा दूध ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक ही बार ऐड करेंगे तो ये बैटर बहुत ज़्यादा पतला भी हो सकता है। तो इसीलिए हम आधा आधा कप करके दूध ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। तो 2 कप आटे के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 कप दूध यूज किया है। यहाँ पर हमारा बैटर अब रेडी है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे घी और घी को बैटर में अच्छे से मिला लेंगे। घी के बाद अब इसमें ऐड करेंगे सूखा कटा हुआ नारियल, किशमिश, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और इन्हें भी बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो मालपुआ का बैटर है वो रेडी हो चुका है और अब हम इसे छानने के लिए तेल गरम कर लेते हैं। तो यहाँ हमने तेल मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है और अब थोड़ा सा बैटर डालकर हम चेक करते हैं कि ये तेल रेडी है या नहीं हमारे मालपुओं को फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर जो है हमारा तेल रेडी है और अब हम छान लेते हैं हमारे मालपुए। यहाँ आप देख सकते हैं जो मालपुआ है ये बहुत लाइट है, बहुत अच्छे से ये फूल रहा है। मालपुओं को हम दोनों साइड से हल्का गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हम स्लो टू मीडियम पर ही रखेंगे, ताकि जो मालपुआ है वो अच्छे से अंदर से भी पक जाए और बाहर से भी इसका अच्छा कलर आए। तो यहाँ पर हमारा झटपट बनने वाला इंस्टेंट मालपुआ रेडी है। इसकी गार्निशिंग कर लेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा मालपुआ है वो अंदर से कितना सॉफ्ट और कितना मुलायम है, लेकिन बाहर से ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें। बाय।